हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल जेएस फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंथ्रासीन के बारे में एंड इसका जो सोर्स है उसके बारे में बात करेंगे एंड इसके जो सिंथेसिस है हावर्थ सिंथेसिस उसके बारे में मेनली बात करेंगे। एंथ्रासीन जो है उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में एंड इसका जो यूजेज एंड डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंथ्रासीन इज ए ट्राइसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच थ्री बेंजीन रिंग आर फ्यूज टुगेदर इन लीनियर फॉर्म। यानी एंथ्रासीन जो है एक ट्राइसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो थ्री बेंजीन रिंग होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं लीनियर फॉर्म में। इट इज अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल हैलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन। यानी जो एंथ्रासीन होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है जैसे कि हैलोजिनेशन हो गई, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था कि जो एंथ्रासीन होती है उसमें थ्री बेंजीन रिंग होती हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 जो कि लीनियर फॉर्म में जुड़ी एक लाइन फॉर्म में जुड़ी रहती हैं। तो ये सिंपली कुछ प्रकार से एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा इस प्रकार से। एंड अब हम इसके जो सोर्स के बारे में बात करते हैं कि एंथ्रासीन का जो सोर्स है वो क्या है कि कहाँ से प्राप्त होती है। एंथ्रासीन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार एंथ्रासीन आयल फ्रैक्शन। यानी एंथ्रासीन जो है कोल टार से प्राप्त होती है जब एंथ्रासीन आयल फ्रैक्शन होता है तब। जैसे कि यहाँ पर कोल टार जो है उसको जब हम हीट करेंगे 200 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक तो जो एंथ्रासीन आयल फ्रैक्शन होगा वो प्राप्त होगा जो कि ग्रीनिश आयल के फॉर्म में होगा। तो इसको जब हम कूल्ड एंड प्रेस्ड करेंगे तो सॉलिड एंथ्रासीन केक प्लस कार्बोजोल एंड फिनेथ्रीन जो होगा वो प्राप्त होगा। तो इसको हम ट्रीट कर देंगे नेप्था सॉल्वेंट के साथ। जब नेप्था सॉल्वेंट के साथ हम इसको ट्रीट कर देंगे तो इसमें जो फिनेथ्रीन होगा इसके साथ डिजॉल्व होकर रिमूव हो जाएगा। फिर बचेगा उसमें जो सॉलिड एंथ्रासीन प्लस कार्बाजोल उसमें बचेगा तो उसको हम वॉश कर देंगे पिरिडीन के साथ। एंड जो पिरिडीन होगा वो कार्बाजोल को अपने साथ डिजॉल्व कर लेगा तो उसमें केवल एंथ्रासीन सॉलिड बचेगा। जो एंथ्रासीन सॉलिड होगा डायरेक्टली गैस कन्वर्टेड इनटू गैस। यानी जो एंथ्रासीन सॉलिड होगा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हमें जो प्योर एंथ्रासीन है वो ऑब्टेन हो जाएगा जिसका कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 216 डिग्री होगा। तो एंथ्रासीन के सोर्स के बारे में हो गई बात। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहली बात क्या था कि थ्री लीनियर फॉर्म बेंजीन रिंग जो होंगे वो लीनियर फॉर्म में एक दूसरे से अटैच्ड होंगी तो सिंपली एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर जो थ्री लीनियर फॉर्म बेंजीन के वो ऐसे रहेंगी फिर इसमें जो बॉन्ड पेयर होंगे और डीलोकलाइज होते रहेंगे मतलब घूमने लगेंगे। तो ये जो डी एक मतलब फर्स्ट रिंग में पहले बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड पेयर ट्रांसफ़र होंगे तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। एंड सेकेंड रिंग जो होगी उसमें से जो बॉन्ड पेयर होंगे वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे बगल वाले कार्बन पर तो इसका स्ट्रक्चर जो इस प्रकार से हो जाएगा। एंड फिर जो ये वाले बॉन्ड पेयर बचे होंगे ये भी डीलोकलाइज यानी क्लॉकवाइज घूमने लगेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा थर्ड ए प्रकार का हो जाएगा। एंड जब ये बॉन्ड जो यहाँ शिफ्ट हुआ था तो फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड क्लॉकवाइज घूमने लगेगा जो क्लाक वाइज घूमेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा उस प्रकार से होगा। एंड जब ये सब बॉन्ड आपस में घूमते रहेंगे इसी तरह जैसा कि हमने देखा तो इसमें जो सर्कल फॉर्म हो जाएगा बीच में तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। यही सिंपली एंथ्रासीन जो है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है कि राइट डिटेल अबाउट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन तो उसमें आपको एंथ्रासीन के बारे में लिखना है एंड उसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बताया उसके बारे में लिख देना है। एंड जो इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है उसे 14H10 होता है एंड जो मॉलिकुलर वेट होता है 178 होता है। एंड अब हम बात करते हैं इसकी हावर्थ सिंथेसिस के बारे में कि एंथ्रासीन की हावर्थ सिंथेसिस क्या होती है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें बेंजीन जो होगी वो रिएक्ट करेगी पैथेलिक एनहाइड्राइड के साथ इन द एलसीएल थ्री के प्रेजेंस में। जब रिएक्ट करेगी तो बीटा बेंजोइल बेंजोइक एसिड जो होगा फॉर्म हो जाएगा। जब बीटा बेंजोइल बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा तो उसको साइक्लाइजेशन करा देंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इसमें यहाँ का एच था एंड OH था वो मिलकर वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एंड एक साइकिल फॉर्म में हो जाएंगे जिसका कि जो नेम होगा वो 9,10 एंथ्राक्विनोन होगा। फिर जो 9,10 एंथ्राक्विनोन होगा उसको हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा देंगे तो जिसमें जिनोन रिमूव हो जाएगा यानी डिस्टिलेशन एक प्रोसेस हो जाएगी। फिर एंथ्रासीन जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा।
तो इसकी जो ये हावर सिंथेसिस थी मेनली 3 स्टेप में कंप्लीट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है एंथ्रासिन की। एंड अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एंथ्रासिन यानी एंथ्रासिन का जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में सिंपल ये होता है कि एंथ्रासिन जो होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देती है जो कि सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, तो जो प्रोड्यूस होगा 9.10 एंथ्राक्विनोन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि सोडियम डाइक्रोमेट जो है उसके प्रेजेंस में जब एंथ्रासिन रिएक्ट करेगी तो 9.10 एंथ्राक्विनोन यहाँ से फॉर्म होगा। यही सिंपल इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। एंड अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जब एंथ्रासिन जो होगी वो रिडक्शन रिएक्शन देगी द प्रेजेंस ऑफ निकिल एट 225 डिग्री सेल्सियस एंड पास हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म 1,2,3,4,5,6,7,8 ऑक्टोहाइड्रो एंथ्रासिन। यानी निकिल हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे एंथ्रासिन के साथ तो जो 1,2,3,4,5,6,7,8 ऑक्टोहाइड्रो एंथ्रासिन फॉर्म होगा। तो ये इसकी सिंपली रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। एंड अब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन के बारे में। तो व्हेन एंथ्रासिन अंडरगोज हैलोजिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू गिव 9-क्लोरो एंथ्रासिन एज वेल एज 9.10 डाइहेलो एंथ्रासिन। यानी एंथ्रासिन जो होगी वो रिएक्शन देगी हैलोजिनेशन क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो जो फॉर्म होगा 9-क्लोरो एंथ्रासिन फॉर्म होगा। फिर जब उसको थोड़ा और ट्रीट करेंगे तो जो 9.10 डाइहेलो एंथ्रासिन फॉर्म होगा। तो इसके कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे एंथ्रासिन की। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है यूजेज ऑफ एंथ्रासिन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी इसके यूजेज क्या हैं। एंथ्रासिन इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ डाई, यानी एंथ्रासिन का जो यूज होता है वो आर्टिफिशियल डाइज के प्रोडक्शन में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है रेड डाई जिसे एलाइजारिन के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द वुड प्रिजर्वेटिव इंसेक्टिसाइड एंड कोटिंग मटेरियल, यानी जो एंथ्रासिन होते हैं उसका यूज वुड प्रिजर्वेटिव की तरह होता है, जैसे वुड को प्रिजर्व करने के लिए एंड इंसेक्टिसाइड ऑफ कोटिंग मटेरियल जो होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। इट इज ऑल्सो यूज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ एंथ्राक्विनोन, यानी एंथ्राक्विनोन के मैनुफैक्चरिंग में भी एंथ्रासिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोक्सी एंथ्रासिन डेरिवेटिव एंथ्रॉल एंड एंथ्रासिनॉल आर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, यानी जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एंथ्रासिन के डेरिवेटिव होते हैं एंथ्रॉल एंड एंथ्रासिनॉल, वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। एंड अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन डेरिवेटिव, यानी एंथ्रासिन डेरिवेटिव है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो 9-कार्बन हाइड्रोक्सी एंथ्रासिन हो जाएगा, जिसमें कि 9 पोजिशन पर जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर सेम उसी तरह रहेगा। एंड जो सेकेंड स्ट्रक्चर 9-कार्बन डाई हाइड्रोक्सी एंथ्रासिन, यानी 9 और 10 पोजिशन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा तो इसे 9-कार्बन डाई हाइड्रोक्सी एंथ्रासिन बोलेंगे। एंड जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो है 1-anthroic acid, यानी फर्स्ट पोजिशन पर वो एक एसिड लगा होगा तो इसे 1-anthroic acid बोलेंगे। एंड थर्ड जो है 1-hydroxyanthracene, यानी फर्स्ट पोजिशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो इसे 1-hydroxyanthracene बोलेंगे। तो इसके डेरिवेटिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे। आई होप कि आपको एंथ्रासिन के बारे में ऑल अबाउट समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।